हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में। इससे एक नया क्वेश्चन सबके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या फिर कोई रेलवे का एग्जाम आप क्यों ना देते हो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या होती है? दो देशों के मध्य खींची गई रेखा को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई एक रेखा है, उसका भी एक डेडिकेटेड नाम दिया गया है, या फिर भारत और चीन के मध्य एक रेखा खींची गई है, उसका नाम क्या है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मैप के बारे में कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है, पाकिस्तान किस तरफ पड़ता है, अफगानिस्तान कहाँ पर है, तजाकिस्तान कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, और हम बात करेंगे श्रीलंका कहाँ पर है। तो हमको हर एक देश की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों के नाम क्या हैं और वो किस दिशा में पड़ते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, या फिर दक्षिण में। ठीक है, ये डायरेक्शन हमको पता होनी चाहिए। और इनके मध्य खींची गई रेखाओं के नाम क्या है वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें है सीमा रेखा, उसका नाम, और किन दो देशों के बीच में वो रेखा खींची गई है, उन दो देशों के नाम। देखिए, बात मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम यहाँ पर भारत की। इंडिया सेकंड नंबर पे इंडिया आ गया, फिर फिफ्थ नंबर पे इंडिया आ गया। तो हम पहले बात करेंगे मैकमोहन रेखा। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई रेखा है, या फिर भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए, या फिर भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है। आपको चार ऑप्शन देगा एग्जाम में, हमको उसमें से राइट आंसर चूज करना है। तो ये सभी आपको याद करने हैं अच्छे से। जैसे हम बात करते हैं, देखिए, भारत एवं चीन के बीच में खींची गई इस रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। बात करते हैं भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान। देखिए, भारत और पाकिस्तान को आप इस तरह से याद करेंगे कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो भी रेखा है उसमें क्या होता है, सैनिक युद्ध बहुत ज्यादा होते हैं। जहां पे युद्ध होगा वहां पर क्या होगा, खून काफी बहेगा, लोगों की हत्या होंगी, गोली लगेगी, तो क्या होगा, खून काफी बहेगा। खून का रंग कैसा होता है, रेड। तो आप इस तरह से इसको याद कर लीजिए, भारत भारत एवं पाकिस्तान के मध्य खींची गई रेखा का नाम क्या है, रेड। रेड से आप ऑटोमेटिक पता लगा लेंगे, अपने आप आपको एक हिंट मिल जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। अब चलते हैं फिलहाल पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में खींची गई सीमा रेखा का नाम क्या है, डूरंड रेखा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, अभी हम बढ़ते हैं फिलहाल थोड़ा सा मैप की ओर, देखते हैं कि कहाँ पे अफगानिस्तान है और कहाँ पे पाकिस्तान है। देखिए, हमको पाकिस्तान की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, उसके ठीक ऊपर मिलेगा आपको अफगानिस्तान। इन दोनों देशों के मध्य जो बीच में खींची गई रेखा है, सीमा रेखा, उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने अभी देखा था क्या था, डूरंड रेखा, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जर्मनी एवं पोलैंड, ये फिलहाल भारत से बाहर के हिस्से हैं। इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफी कम पूछा जाता है, लेकिन जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है यूपी पीएससी का या अदर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो स्टेट का, वहां पे प्री में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है आपसे, वो रेड क्लिफ नहीं पूछेगा। ये काफी कॉमन क्वेश्चंस है आपसे, वहां पर प्री के एग्जाम में डूरंड रेखा बिल्कुल नहीं पूछेगा। एसएससी के एग्जाम में आपसे ये तीनों रेखा है वो पक्का पूछता है। तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज इन तीनों को अच्छे से पेन डाउन कर लें और उसको तुरंत याद कर लें। ठीक है, देखिए, हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य खींची गई सीमा रेखा का नाम है। बढ़ते हैं हम लोग 24वीं अक्षांश रेखा, भारत एवं पाकिस्तान। अगर बात करें आपसे अक्षांश रेखाओं की, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, बात करें आपसे 24वीं अक्षांश रेखाओं की, तो वो है भारत एवं पाकिस्तान। बात करें सीमा रेखा क्या है, तो सीमा रेखा पूछेगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा, रेड क्लिफ। देखिए, आप 24 से आप याद कर सकते हैं, 12 दूनी क्या होते हैं, 24। कलर कितने होते हैं, 12, 12 को डबल कर दो 24। और एक राइफल में जो बड़ी राइफल होती है उसमें जो कारतूस भरा जाता है, जो उसमें गोली फिट होती है, वो कितनी होती है, 24।
देखिए, बड़ी बड़ी जो बंदूकें होती हैं, बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ होता है? भारत एवं पाकिस्तान के बॉर्डर में सैनिक सबसे ज्यादा बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे सिक्योरिटी का जो मटेरियल होता है वो ज्यादा सप्लाई होता है। तो 24 गोली, 24 से मतलब भारत एवं पाकिस्तान, ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान। इस तरह से आप लोग याद करेंगे, भारत पाकिस्तान में सैनिक सैनिक के बीच में होता है युद्ध, कई खून बहता है, कई सारा वहां पर, पूरी भूमि वहां की कैसी है, लाल रेड कलर की है। खून का रंग क्या होता है? रेड। रेड क्लिप से याद करेंगे भारत एवं पाकिस्तान की रेखा, ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे। अब बढ़ता हूँ फिलहाल मैं नेक्स्ट रेखा की ओर। अगली जो रेखा है वो है 38वीं समानांतर रेखा। ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य खींची गई सीमा रेखा है। 49वीं और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। SSC सीजर में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद ये कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया उसमें। तो ये SSC वाले प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के 17वीं अक्षांश रेखा कौन सी होती है? उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा। बात कर रहे हैं हम लोग मैगिनॉट और सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई सीमा रेखा है, या फिर मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में, बीच की रेखा है? तो इसका नाम है जर्मनी एवं फ्रांस। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में खींची गई रेखा को हम बोलते हैं मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा। अगली रेखा का नाम है ऑर्डरनेंस। ऑर्डरनेंस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य स्थित है। अगला है मेडिसन। मेडिसन होता है दवाई, ठीक है, मेडिसिन बोलते हैं हम लोग उसको। इसमें है मेडिसन। मेडिसन रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अमेरिका और कनाडा में मैक्सिमम दवाई की उत्पादकता होती है। मैक्सिमम दवाई कहाँ से प्राप्त होती है हम लोगों को? ये होती है अमेरिका और कनाडा से। जो भी हम लोग मेडिकल इश्यू में दवाई देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अपने देश में, दवाई मंगवाते हैं, मेडिसिन मंगवाते हैं, वो कहाँ से मंगवाते हैं? अमेरिका और कनाडा से। तो आप इसको इस तरह से याद करिएगा, ठीक है, अमेरिका और कनाडा मतलब दवाई घर, ठीक है, मेडिकल स्टोर। अगली रेखा का नाम है मेनर रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। देखिए, बस आपको केवल इतनी ही रेखाओं के नाम याद रखने हैं। ये ज्यादा कोई रेखाओं के नाम नहीं है, बहुत कम है, काफी स्टैंडर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से स्टार्टिंग के तीन आपको अभी तुरंत याद करने हैं। ये वीडियो फिलहाल अब समाप्त होने वाला है बहुत जल्द। इस वीडियो को आप एक बार और प्ले करिएगा, इस वीडियो को आप एक बार और प्ले करिएगा, उसके बाद में आप देखिएगा आपको ये सभी के सभी सीमा रेखाओं के नाम और उनसे जुड़े देश आपको याद हो जाएंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफी शॉर्ट नोट्स हैं, स्टैटिक स्टडी है ये आपकी, स्टैटिक जीके है, और आपको ये करके जानी ही चाहिए एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम A to Z, XYZ कुछ भी क्यों ना हो, आप चाहे ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका एग्जाम ग्रेड बी का क्यों ना हो, आप स्टेट PSC की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो किसी SSC के MTS एग्जाम की, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तरीके काफी सारे होते हैं याद करने के। मैं सच कहूँ तो तरीके बहुत सारे होते हैं याद करने के लिए। शॉर्टकट ट्रिक बनाकर लोग याद कर लेते हैं इस ट्रिक को, और कुछ लोग इसको डायरेक्ट याद करते हैं। देखिए, हर जीके के क्वेश्चंस की ट्रिक बनाना काफी टफ काम होता है। काम तो टफ होता ही है, लेकिन उससे बड़ा टफ काम होता है याद रख पाना। देखिए, आप अगर हर एक चीजों की ट्रिक याद करने बैठेंगे तो आपके माइंड में कितना हौच पौच रहेगा। आपको वॉकअप याद करनी है निमोनिक मेथड से, निमोनिक के लिए आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल सेट करने हैं, ठीक है, वहां पे आप कितने वर्ड याद करेंगे निमोनिक मेथड से। चलो ठीक है, वो हो जाएगा। अब आप जीके को भी आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं, कुछ टाइम बाद आप बोलेंगे कि मुझे मैथ में भी ट्रिक चाहिए, कुछ टाइम आप बोलेंगे कि मुझे ग्रामर के रूल के लिए भी ट्रिक चाहिए, तो माइंड में ट्रिक का एक जाल बन जाएगा, और जाल में आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उलझते चले चले जाए। कुछ स्टडी होती है, नोट्स कुछ डायरेक्ट बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट बनाइए। जैसे ये नोट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन। रेड क्लिक मतलब लाल रंग। लाल रंग का संबंध किससे है? भारत एवं पाकिस्तान। एक बंदूक में कितनी गोली होती है? 24, ठीक है। बड़ी जो बंदूक होती है AK-47 इस टाइप की बंदूक जो होती है, तो उसमें कितनी गोली फिट होती है? 24। 24 का मतलब क्या हो गया? भारत एवं पाकिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। तो इस तरह से आप याद करिए, थोड़ा बहुत मतलब लॉजिक बिठा करके याद कर लीजिए, लेकिन हर एक चीज का आप लॉजिक नहीं बिठा सकते, ये रियल है बच्चों। बाकी
आई होप आप तैयारी काफी अच्छे कर रहे होंगे। जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहे हों वो आप बड़े आराम से देख रहे होंगे, बड़े ध्यान से उसके नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन देखिए, नोट्स बना के रख देने से कोई फायदा नहीं है। अगर टाइम टू टाइम आप उसका रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो प्लीज रिविजन आप जरूर करना इसका भी, या फिर पिछले आपने जो भी वीडियो देखी उन सबका भी। वन लाइनर जीके की एक प्लेलिस्ट है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो छोटा लगा होगा। कोई बात नहीं, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। 10 10 बुक को परचेज करने से ज्यादा अच्छा है, मैं केवल यही कहूंगा कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िएगा, ठीक है। बुक के ढेर मत लगाइए, अपने मोबाइल के अंदर सेव ऑफलाइन करके 50 60 वीडियो सेव मत रखिए। केवल एक दो वीडियो ही सेव करिए, टारगेट सेट करिए कि पहले मैं उसे खत्म करूंगा, खत्म इन द सेंस के ढंग से पढ़ूंगा, उसके बाद में कोई नया वीडियो वॉच करूंगा या फिर किसी नए चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। इसी के साथ देता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।